गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखते हैं किस तरह से सेंटीमेंट्स आज की बन रहे हैं, कैसे हमें ट्रेडिंग करना है। जो हमने मॉर्निंग में देखा था, अगर उस बेस से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट अपनी टारगेट को हिट किया है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऊपर की तरफ थी जाने के लिए, अपसाइड जाएगा, मार्केट ओपन होता है, धीरे धीरे के ऊपर जा रहा है। अभी क्या सेंटीमेंट बन रहा है उसको हम देखते हैं। साथ में अगर आप नए हैं तो पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली अपडेट मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें अब मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। अब फ्रेंड्स हम आ गए चार्ट पे। चार्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो कंडीशन बनी हुई थी, जो हमने मॉर्निंग में देखा था कि मार्केट ने जो प्रीवियस डे का लो है इसको क्रॉस नहीं करेगा और मार्केट उसी रेंज में ओपन होता है। अगर नीचे आ जाए मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज थी इसके लिए 66,635 का लेवल, लेकिन मार्केट ओपन होता है फिर धीरे से नीचे, जिसका लो का फॉर्मेशन था वहाँ से रिकवरी दिखाता है। और लगभग मैंने आपके लिए 700 से 800 पॉइंट की मूवमेंट के लिए बात किया था कि मार्केट हार्डली जाएगा तो 68,000 को जाएगा। 68,000 को मार्केट टच करता है और हमारे लिए उससे पहले 67,650 का लेवल था। अब उसके बाद में मार्केट यहाँ से दोबारा से एक बड़ा मूव करने के बाद में, ये बड़ा मूव भी क्लियर कट नहीं था क्योंकि नीचे भी मार्केट उतना बनाया, ऊपर भी बनाया, उसके बाद भी इतनी बड़ी कैंडल नहीं, मतलब मार्केट में दोनों अभी कंडीशन बनी हुई है, हायर साइड जाने की और लोअर साइड जाने की। ओवरऑल पॉजिटिव ये है मार्केट के लिए, जो मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में बताया था, ये जो बेस इसने क्रिएट किया है मल्टीपल टाइम में, जितना ये अच्छा बेस क्रिएट होगा उतना ज़बरदस्त मूव रहेगा, ये हम ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं और पास्ट स्टडी में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ मार्केट अभी थोड़ा सा, अगर ये 68,000 के आसपास इस कहीं रेंज में क्लोज करता है तो थोड़ा पॉजिटिवनेस आने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट वीक में जैसा रहे हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए कन्फर्मेशन पॉइंट के लिए हम चलते हैं 4 आवर सेटअप में। 4 आवर से हमें थोड़ा कन्फर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट में अभी क्या होने वाला है। तो फ्रेंड 4 आवर सेटअप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रेंज बनी थी ऑलरेडी उसी रेंज में मार्केट ट्रेवल कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये था, जो मॉर्निंग में हमारा 700 से 800 पॉइंट का रेंज था, मार्केट ने उसको हिट किया है। अगर आपको प्रॉफिट मिला है तो यहाँ पे कुछ बुक कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं और जिनकी बॉडी छोटी होती है, बिग बड़ी होती है, तो वहाँ पे मार्केट कन्फ्यूजिंग रहता है। अभी यहाँ पे हम क्लोजिंग का वेट करेंगे। अगर मार्केट की क्लोजिंग इस रेंज के ऊपर हो जाती है जो कि 67,700 के ऊपर है, और इन केसेस 68,000 के ऊपर यहाँ कहीं क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो मार्केट में नेक्स्ट वीक में कुछ अच्छे मूव होने के चांसेस है। लेकिन ओवरऑल इसको रेंज को ब्रेक करना चाहिए, अगर रेंज में रहता है तो उसके लिए फिर दूसरी कंडीशन बन जाएगी। अभी फिलहाल के लिए अगर आपने कुछ रैली को एंजॉय किया है तो डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सेल साइड अपॉर्चुनिटी के लिए फिलहाल के लिए अभी हम नहीं देखेंगे, और बाइंग साइड के लिए बहुत ही केयरफुल होकर ही हमें बाई करना। अगर आपने पोजिशन यहाँ कहीं बना रखी है तो डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा है क्योंकि एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ है, और साथ में जो ये रेंज बनाई थी मार्च के लेवल था, मार्केट वहीं पे रिएक्ट कर रहा है। अब से बेस बनाया है, जितना ज़बरदस्त बेस रहेगा उतना अच्छा मूवमेंट यहाँ होने के चांस रहेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट के जो सेंटीमेंट्स बनने वाले थे और जिस तरह से फॉर्मेशन किया है, आज मैंने आपके लिए ग्रीन कैंडल बनने के लिए बोला था कि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा अपसाइड जाए, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट्स अभी भी मार्केट के लिए इतने बुलिश नहीं हुए कि हम यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट के साथ में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखें और पोजीशन को लेके जाएं। ओवरऑल मार्च का लेवल था, इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है और अभी जो इसकी ट्रेडिंग हो रही है ये लगभग जो इसका जोन का फॉर्मेशन था उसके ऊपर हो रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है, क्लोजिंग अपसाइड होती है तो थोड़ा सा यहाँ पॉजिटिवनेस हो सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ जाने में रेजिस्टेंस अभी काफ़ी है। मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा अभी तो बहुत स्लो मूव के साथ जाएगा, तो इसको आपको ध्यान में रख के ही प्लान करना है। अगर आपने सेल साइड में कुछ प्रॉफिट लिया है तो डेफिनेटली बुक कर लीजिए। अभी मार्केट बेस क्रिएट कर रहा है, बेस के बाद में दोनों तरफ ओपन हो जाता है अप साइड और डाउन साइड के लिए। इस वजह से यहाँ पे नई पोजीशन आप तभी बनाइएगा जब मार्केट में कुछ क्लियर होता हुआ दिखाई पड़े। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी हम फिलहाल के लिए नेक्स्ट वीक के लिए पोजीशन लेके नहीं जाएंगे, जो भी रहेगा आज का आज हम कट करके अपना क्लोजिंग करेंगे। थैंक यू फ्रेंड। नए हैं तो एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मार्केट काफी अच्छा दिख रहा है क्योंकि लगातार इसे 3 से 4 दिनों में एक रेंज का फॉर्मेशन किया है। थैंक यू।